फलसफा फिल्मों का। साहिर लुधियानवी एक लोकप्रिय और मकबूल शायर होने के साथ साथ एक प्रेमी और आशिक के रूप में भी जाने जाते हैं। यहाँ एक दिलचस्प किस्सा है जो बेहद प्रतिभाशाली और मशहूर गायिका सुधा मल्होत्रा के प्रति उनके प्यार से जुड़ा है। एक दूसरे के प्रति उनका प्यार सच्चा था, लेकिन सामाजिक लिमिटेशंस बीच में आ गई थी। सुधा की मंगनी हो चुकी थी, शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। ये वाकया ठीक तब पेश आया जब साहिर के कुछ दोस्तों ने साहिर के सम्मान में एक शाम साहिर के नाम प्रोग्राम का आयोजन किया था। दोस्तों की इस महफिल में सुधा मल्होत्रा जी को भी बुलाया गया था। सुधा जी अच्छी तरह से जानते हुए भी कि ये साहिर के साथ उनकी आखिरी मुलाकात होगी, इस महफिल में दोस्तों की संगत में शामिल हो गयी। करीबी दोस्तों की इस महफिल में इस खास मिलन में साहिर की कई नज़्में पढ़ी गयी। अब जब महफिल में शामिल दोस्तों ने साहिर से अपनी कविताएं सुनाने के लिए कहा, तो उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध नज़्मों में से एक नज़्म खूबसूरत मोड़ को चुना और सुनाना शुरू किया। जज्बात को छू लेने वाले अल्फाज से भरी नज्म कहती है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से। जब साहिर ने इस नज्म को भावुक होकर पढ़ना खत्म किया, तो महफिल में शामिल सभी भावनात्मक रूप से भावुक हो गए। चेहरे उदास हो गए, आंखें नम हो गईं और कभी न खत्म होने वाली खामोशी छा गई। दिलचस्प बात यह है कि इस कविता का इस्तेमाल 1963 की फिल्म गुमराह में भी किया गया था। खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। फलसफा फिल्मों का।